ओम शांति। गुड मॉर्निंग दीदी, गुड इवनिंग एवरीवन। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ पुणे एरोडा सेंटर से आस्था दीदी जुड़े हुए हैं, अनुभूति सेंटर के हेमा दीदी, वैशाली दीदी और हम सभी अनुभूति परिवार की सदस्य की ओर से दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अनुभूति जूम पर। थैंक यू दीदी। पिछले 16 वर्ष से राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं, साथ साथ पिछले 10 वर्ष से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया हुआ है। राजयोग मेडिटेशन कोर्स कराना, भिन्न भिन्न विषयों पर सेशंस, वर्कशॉप्स कराना आपकी विशेषता है। आप ब्रह्मा कुमारीज के स्पार्क विंग से भी जुड़े हुए हैं और आज का विशेष खास सब टॉपिक जो है सिद्धि स्वरूप होने की विधि है ना। दुनिया में सिद्धि प्राप्त करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं और यहाँ भगवान ने, स्वयं भगवान ने हमें वरदान दिया है सिद्धि स्वरूप भव। तो इस वरदान का हम स्वरूप कैसे बने है ना, इस विषय पर गहराई में आस्था दीदी हमें ले जाएंगे। अभी सुनते हैं आस्था दीदी से। वेलकम अगेन दीदी। ओम शांति। ओम शांति। और सभी को गुड मॉर्निंग, यहाँ से गुड मॉर्निंग, आपके वहां से गुड इवनिंग है। तो आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बाबा का परिवार चाहे देश है चाहे विदेश है, लेकिन हम एक साथ सभी जुड़े हैं। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है, बाबा बहुत मुरलियों में हमें वरदान देते हैं और स्वमान भी दिया हुआ है कि आप सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। तो ये सिद्धि स्वरूप माना क्या, सिद्धि क्या है और सिद्धि से क्या क्या प्राप्तियां होती है, उसको प्राप्त करने के लिए विधि क्या है, तो आज हम थोड़ा गहराई से इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। आप देखिए, दुनिया में बहुत सारी ऐसी महान आत्माएं होकर गई है जिन्होंने अल्पकाल की क्यों ना हो, लेकिन कुछ अपने जीवन में अपने तप, अपने तपस्या से, त्याग से कुछ अनेक सिद्धियों को प्राप्त किया है। तो पहले हमको दुनिया में क्या सिद्धियां है, दुनिया में लोग क्या क्या करते हैं, वो पहले थोड़ा पता होगा तो हमें पता चलेगा कि बाबा हमें जो ज्ञान दे रहे हैं वो वास्तव में उसका स्वरूप हम कैसे बन सकते हैं और उसकी विधियां हम कैसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। हर चीज की एक मेथड होती है करने की। जैसे बाबा ने कुछ ज्ञान मार्ग में हमें फॉर्मूले दिए हुए हैं, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। दूसरा फॉर्मूला, जहां निश्चय है वहां विजय है। तीसरा, हिम्मत रखेंगे तो मदद मिलेगी, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। ऐसे ही विधि से सिद्धि, सिद्धियां ये प्राप्तियां है बात की, उसके लिए पहले हमें कौन सी विधियों को, कौन सी मेथड को किस प्रकार से अपनाना है, वो हर दिन की मुरली में बाबा कहीं ना कहीं हमें बताते रहते हैं। तो दुनिया में अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं, बहुत सारे महापुरुष होकर गए जिन्होंने अपने त्याग और तपस्या से इन सिद्धियों को हासिल किया और उसको जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए यूज किया। और कई बार जब इन सिद्धियों का कुछ विशेष स्वार्थ के लिए प्रयोग किया गया तो
तो वो सिद्धियां नष्ट हो, ये हम दुनिया की बात करें। तो दुनिया में शास्त्रों में धर्म ग्रंथों में विशेष मुख्यतः 8 प्रकार की सिद्धियां कही जाती है और 16 प्रकार की गौण सिद्धियां, मुख्य है 8 और 16 है उसके बाद की। तो उसमें मुख्य कुछ सिद्धियां है, अनिमा सिद्धि, ये हम पहले थोड़ा सा दुनिया की बात करते हैं, फिर हम बाबा के ज्ञान पर आते हैं। अनिमा सिद्धि, इसमें कहा जाता है कि साधक अपने शरीर को एक अणु के समान, बिंदु के समान सूक्ष्म कर लेता है, ये सिद्धि उसको हासिल होती है। दूसरी सिद्धि है महिमा सिद्धि, ये महिमा सिद्धि उसके अपोजिट है। साधक इसमें अपने शरीर को बहुत बड़ा बना सकता है, जैसे वो बिंदु बना सकता है तो यहाँ पे बड़ा बना सकता है। गरिमा सिद्धि तीसरा, इसमें साधक अपने जो भार को है वो भार को बढ़ा सकता है, वजन को बढ़ा सकता है, जो उसको कोई भी हिला नहीं सकता। अंगद का मिसाल देते हैं और अपने भारतीय धर्म शास्त्रों में और जो स्पिरिचुअल साहित्य हमारे उसमें है, वो भीम की जैसे परीक्षा ली, एक वानर था और उसकी उसका देह अभिमान कितना है, उसकी परीक्षा लेने के लिए उसने कहा, रास्ते में बैठा और कहा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया, मेरी पूंछ को तुम उठा लो और साइड में रख दो। तो भीम जब उठाने जाते हैं तो उसकी पूंछ को हिला भी नहीं सकती, जबकि भीम इतने शक्तिशाली थे। तो ऐसी कुछ बातें हैं हमारे शास्त्रों में। तो माना इसमें साधक उस अपने शरीर को इतना भारयुक्त बना देता है जिससे उसे कोई हिला नहीं सकता। फिर है लघिमा सिद्धि, उसमें अपने आप को वो हल्का कर लेता है, वो वायु में भी उड़ सकता है, हवा में उड़ सकता है। फिर प्राप्तिया, जो प्राप्ति सिद्धि है, तो उसमें साधक जो है अदृश्य होने की कला सीखता है, माना वो लोगों के सामने अदृश्य हो सकता है और कहीं भी जा सकता है। फिर है प्राकाम्य सिद्धि, दूसरे के मन के भावों को जानना, किसी भी व्यक्ति या कोई भी आत्मा हमारे सामने आ जाए तो हम उसका आदि मध्य अंत सब कुछ जान सकते हैं, उसके मन में क्या विचार चल रहा है इनको भी हम जान सकते हैं। तो इस सिद्धि को फिर है ईशत्व सिद्धि, ईश्वर के समान अपने आप को वो बना लेता है और सारे सृष्टि पर एक ऐसे अधिकार, जिसको बाबा की भाषा में कहा जाता है मास्टर भगवान, माना वो एक अधिकार भगवान के स्वरूप का, माना जो भी चाहे वो ऑर्डर दे और हो जाएगा। इस प्रकार से वशित्व सिद्धि, किसी को भी वश करने की, चाहे कोई वो हिंस्र पशु हो, पक्षी हो या कोई व्यक्ति हो, कितना भी विरोध में हो, उनको वश में करने की ये जो सिद्धि है उसको वशित्व सिद्धि कहा जाता है। तो ये मुख्य हो गई, इसके बाद भी बहुत सारी सिद्धियां हैं, जैसे वाक सिद्धि। वाक सिद्धि माना कोई भी व्यक्ति कुछ बोलेगा, उसके संकल्प उसके बोल सिद्ध होंगे, और ऐसे महापुरुषों की कोई कमी नहीं है जिनको वाक सिद्धि प्राप्त हुई थी। माना ये जो कुछ बोलेंगे, किसी को वरदान देंगे, किसी को श्राप देंगे, सिद्ध हो जाएगा, इसको वाक सिद्धि कहा जाता है। दिव्य बुद्धि की सिद्धि है, दिव्य बुद्धि माना सारी चीजों को जान लेना, कोई भी व्यक्ति के बारे में उसका भूत भविष्य सब कुछ जान लेना। ऐसे शास्त्रों में बहुत सारी सिद्धियां है जिसका बाबा वर्णन करते हैं, जल पानी पर चलने की, आग से पार होने की,
लेकिन ये दुनिया की सिद्धि है। फिर भी इसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने कितने सालों तक अभ्यास किया है एक ही चीज का, और उसके बाद उस चीज को प्राप्त किया है। तो सिद्धि प्राप्त करने की जो विधि है वो एक 79 की मुरली है, उसमें बाबा ने कहा है एकाग्रता। हमारी सिद्धियां कौन सी है? और एक मुरली है 74 की, अव्यक्त वाली, उसमें बाबा ने कुछ 12 सिद्धियां बता दी। तो सिद्धि का कनेक्शन आता है एकरस स्थिति, एकाग्रता, जिसको बाबा कहते हैं एकरस स्थिति में रहो, सदा शब्द यूज करते हैं बाबा हमेशा। और एकाग्रता का कनेक्शन आता है वृत्ति के साथ। अब सारी बात होती है वृत्ति की। बाबा कहते हैं लास्ट में तुम संकल्प से एक जगह पर बैठकर सेवा करेंगे, वृत्ति से सेवा करेंगे। अब वृत्ति क्या है? सबसे हाईएस्ट और फास्ट गति की सेवा बाबा ने कहा है वृत्ति की सेवा। और किसी भी आत्मा को बदलना है तो वृत्ति के द्वारा बदला जाता है, ये हम मुरलियों में सुनते आ रहे। लेकिन ये वृत्ति एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस वृत्ति को समझने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना, कुछ समझना होगा, कुछ अटेंशन अपने ऊपर देना होगा। वृत्ति माना क्या है? वृत्ति वो चीज है जो फील हम करते हैं, वो फीलिंग जम जाना, उसको कहते हैं वृत्ति। माना फीलिंग का जमना, जम जाना, कंडेंस फीलिंग, उसको कहते हैं वृत्ति। संकल्प उससे भी छोटी चीज है, संकल्प फीलिंग, और फीलिंग भी जब जम जाती है माना कंडेंस हो जाती, घनीभूत हो जाती है, इंटेंस फीलिंग, तो वो बन जाती वृत्ति। वृत्ति आ जाती है कर्म में, फिर कर्म बन जाता है, बार बार रिपीट होता है तो वो बन जाता संस्कार। इसीलिए बाबा कहते जिस दिन तुम मन बुद्धि और संस्कार के भी मालिक बनोगे उस दिन तुम माया जीत बन जाओगे। संस्कार बाबा की भाषा में वो चीजें हैं जो जन्म जन्मांतर आत्मा के अंदर जमा है, और वो जो आती है बाहर वृत्ति के रूप में आती है, वृत्ति उभरती है। तो ये वृत्ति को हमें बदलना है। जब कंप्लीट रीति से हम वृत्ति को चेंज करते हैं तब सिद्धि स्वरूप आत्माएं कही जाती है। अभी हमारी प्रैक्टिस चालू है और कई बार हमने इस चीज के अनुभव किए हैं सभी ने, कि किस प्रकार से अगर अंदर की भावना से, जो भावना शुद्ध और स्वच्छ होती है, उससे हम कैसे दूसरों के मन तक पहुंच सकते हैं। तो पहली बात है मन के भाव जो होते हैं, वृत्ति कैसे पकड़ में आती है, मन के भाव, अच्छी और बुरी ये फीलिंग होती है, वही वृत्ति के रूप में उभरती है। अभी मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, समझो किसी व्यक्ति ने एक कीड़ा देखा, घर में उसके कीड़ा आया, उसको लगा ये खराब है, इसको मैं मार देता हूं, और उसके मन में उसको मारने का, कुचलने का ख्याल आया, तो उसने पैरों के नीचे उसको दबा दिया, मार दिया उसको। ये उसके मन में वृत्ति उभर गई कि मैं उसको मार दूं, और वो कर्म में आ गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको पता चला
कि ये कीड़ा नहीं था, ये तो कोयला था, काला कोयला, पर उसने उसको कीड़ा समझ लिया। अब मेरा प्रश्न ये है, वास्तव में कीड़ा मरा नहीं है, वो कोयला था, तो उसके अंदर जो भाव पनपा, तो उसका जो कर्म बना, इस कर्म का फल उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, कोई बता सकता है? रिपीट करेंगे कि कीड़े को कीड़ा नहीं था, सिर्फ कोयला था ना? हाँ जी, संकल्प तो ऐसा चला नहीं, इसका भाव ऐसा तो उठाने कि कीड़ा है तो इसको मार डालू। संकल्प तो उठाने, संकल्प उठा, पर वो वास्तव में कीड़ा था ही नहीं, वो कोयला था। इसका भाव तो वही था मारने का, हमारा प्रश्न ये है, उसका प्रतिफल उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा, आधा आधा मिलेगा। कीड़ा तो मरा नहीं है, कैसे मिलेगा? उससे एक्चुअल में कोई हत्या नहीं हुई, फिर भी मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा दीदी, संकल्प पॉजिटिव नहीं था, उसका असर हो हाँ। सकता है, लेकिन कर्म में तो नहीं हुआ एक्चुअली में। राइट, तो कर्म बाद की चीज है, उसके वृत्ति में आया और वृत्ति से ही कर्म बनते हैं और कर्म से फिर संस्कार बनते हैं। तो वृत्ति में जो पनपा था उस भाव का उसको प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि उसकी वृत्ति उभर के आई मारने की। जैसे एक डॉक्टर होता है और एक गुंडा व्यक्ति है, डॉक्टर भी चाकू से पेशेंट के पेट को काट कर उसका ऑपरेशन करता है, वही दूसरी जगह वो जो गुंडा व्यक्ति है वो किसी को मारता है, चाकू से मारता है। कर्म में अंतर है, लेकिन डॉक्टर के हाथ से अगर पेशेंट बचा नहीं, उसकी डेथ भी हो गई, और ये जो डाकू था वो मारने का इंटेंशन था लेकिन वो व्यक्ति बच गया, तो पुण्य किसका, पाप किसका? डॉक्टर के हाथ से पेशेंट मर गया, शरीर छोड़ दिया, फिर भी वो पुण्य है, क्योंकि वो इंटेंशन था उसको बचाने का। और जो डाकू है उसका इंटेंशन था उसको मारने का, भले वो बच गया है उसके हाथ से, लेकिन उसका इंटेंशन था उसको मारने का, तो वो बचकर भी वो पाप है। तो प्रतिफल जो मिलता है वो भावों का होता है, हमारी इंटेंशन क्या है वो वृत्ति का एक भाग है, और इंटेंशन के आधार से हम समझ सकते हैं हमारे अंदर कौन सी वृत्तियां पनपती है। तो वृत्ति का कनेक्शन होता है मन से, मन, तो हम थोड़ा सा आपको एक स्लाइड दिखाते हैं और हम उस चीज पर थोड़ा सा मनन करेंगे। मन जो होता है, जैसे फिजिकल रूप में देखा जाए तो ब्रेन है, ब्रेन कहा जाए तो एक समझो हाथी है और उसको कंट्रोल करने वाला माहुत माना मन है। जो ऊपर का साइकिल दिख रहा है आपको, जो सर्कल है, आपको स्लाइड दिखाई दे रही ना, तो जो सर्कल है जहां पे लिखा है कॉन्शियस माइंड और नीचे लिखा है सब कॉन्शियस माइंड, ये दो चीजें आपने जाना होगा, मन
कहते हैं दो प्रकार का, वो बहुत सारी चीजें हैं सुप्रा कॉन्शियस और इसमें, इसमें हम नहीं जाएंगे। जो बाबा के ज्ञान के आधार से हम इसको समझते हैं, कहा जाता है एक कॉन्शियस माइंड है एक सबकॉन्शियस माइंड है। वास्तव में ऐसा नहीं है, मन एक ही चीज है। बाबा ने कहा मन बुद्धि संस्कार, मन एक ही चीज है, सिर्फ हम जो हमारे पांच सेंस ऑर्गन्स है उसके द्वारा जहां तक हमें जिस हिस्से को जाना जा सकता है, जो हमारे पकड़ में कुछ चीजें आती है, जागृत अवस्था में कुछ चीजें हमें समझ में आती है, वो कॉन्शियस में आती है हमारे, उसको हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड। वो एक मन का ही एक हिस्सा है, लेकिन जबकि हमें वो पकड़ में आता है हमारी कर्म इंद्रियों के आधार से, इसलिए हम उसको कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। और जो पकड़ में नहीं आता है उसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन, चेतन मन, अवचेतन मन। तो ये जो मन है, मन मन और बुद्धि, इसको हम समझ लेते थोड़ा। वृत्ति का जब टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा तो लास्ट में आपको सब बातें पता चलेगी। तो यहाँ पे एक स्लाइड है, उसमें ऊपर मन और बुद्धि है और नीचे का जो हिस्सा है, ज्यादातर जो बड़ा हिस्सा है, इसको हम ये वृत्ति का हिस्सा बोल सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड। वृत्ति जो बाहर आती है हमारे फीलिंग के द्वारा, और लास्ट में हम वो मेडिटेशन करेंगे और हर दिन हमको क्या प्रैक्टिस करनी है इस वृत्ति को पकड़ने के लिए। और जब ये सारी वृत्तियां हमारी बाहर आ जाएगी तो उसी को कहा जाता है सिद्धि स्वरूप। साफ साफ चित्त जब हो जाता है तो उसको कहा जाता है बाद में सिद्धि स्वरूप। तो हमने देखा वृत्ति माना वो कंडेंस फीलिंग है, इमोशन है जो जम गई है। सबकॉन्शियस माइंड को ही बाबा की भाषा में बाबा कहते 63 जन्मों के जन्म जन्मांतर के संस्कार। ऊपर मन और बुद्धि है, ये कॉन्शियस माइंड है, हम कुछ खाते हैं, पीते हैं, किससे मिलते हैं, बात करते हैं, जो भी चीजें हम हमारी पकड़ में आती है, हम उसमें हमारा विवेक काम करता है, हम जागृत अवस्था में उस चीज को जान जाते हैं, मन और बुद्धि वहां पे काम करती है, तो उसको कहा जाता है जागृत मन। फिर उसके नीचे है वृत्ति, ये सबकॉन्शियस माइंड। अब कोई भी घटना जब होती है तो ये अंदर की जो बातें हैं ऊपर उभर कर आती है। कैसे? अच्छी और बुरी फीलिंग वृत्तियां बाहर निकल के आती है। वृत्ति पल पल में बदल सकती है। जैसे कोई कोई व्यक्ति है, वो YouTube पर बहुत खराब वीडियो देख रहा है, उसके अंदर कौन सी वृत्ति जागृत है इस समय? खराब वृत्ति। पर उसके माँ बाप वहां से गुजर जाते हैं, पिताजी घर में आ गए, तो ये तुरंत एक सेकंड में चेंज करेगा और कुछ अच्छी चीज देखने लगेगा। तो ये वृत्ति थी उसकी, वो मर्ज हो गई और दूसरी एक सेकंड में उसने इमर्ज कर दी। तो वृत्तियां इमर्ज और मर्ज होती है, अच्छी वृत्तियां बुरी वृत्तियां। तो ये कहां से आती है सारी वृत्तियां? तो यहाँ पे दिखा है नीचे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये संस्कार है हमारे 63 जन्मों के बने हुए संस्कार है। उसके नीचे है हमारे मूल संस्कार जो आत्मा आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। ये हमारे मूल संस्कार है। बाबा हमेशा एक चीज हमें कहते हैं कि अपने आदि और अनादि संस्कारों को इमर्ज करो और दूसरे को भी जो देखना है वो प्रेजेंट समय में नहीं देखो, उसको देखो तो उसके आदि और अनादि संस्कारों के रूप में देखो, तभी हम वृत्ति से दूसरे को बदल सकते हैं।
हमारी ये ऊपर की वृत्तियां जो है 63 जन्मों की, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये इमर्ज होती है और ये उभर के आती है। और ये जो बीच में है, नियम मान्यता दृष्टि दृष्टिकोण, ये सारी चीजें हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में उतरी हुई है। एक उदाहरण देती हूँ, समझो एक व्यक्ति है, उसको कुआं बनाना है, तो उसने क्या कर दिया, पत्थर मिट्टी जो भी है वो निकालने लगा जमीन से, और उसने गड्ढा किया, फिर अंदर का सब कीचड़ा आदि सब बाहर निकलता गया निकलता गया निकलता गया, और उस कुएं के अंदर से पानी आने लगा। दूसरा व्यक्ति है, उसको उसने क्या किया, मिट्टी लाया, पत्थर लाया, सीमेंट लाया, और उसने एक दीवार बना ली और उसमें पानी डाल दिया, तो उसका बन गया हौद, हौद बना दिया। अब पानी हौद में भी है और कुएं में भी है, दोनों जगह पानी है, फर्क क्या है? एक ने मेहनत करके पानी को जमीन से निकाला और एक ने बस बेस बना दिया और पानी लाके डाल दिया, तो दोनों पानियों में क्या अंतर रहेगा? वो पानी शुद्ध होगा, एक ये पानी एक मैनमेड एंड एक नेचुरल। हाँ, ये नेचुरल अंदर से निकला और ऊपर से डाला है मैनमेड एंड एक नेचुरल, राइट? नेचुरल लिमिटेड पानी है और दूसरा वाला अनलिमिटेड ना, वो तो निकलना ही जाएगा। कुएं वाला पानी है, हम बार बार यूज कर सकते हैं, और जो हौज वाला है उसमें डालना पड़ेगा, लंबे समय तक चलेगा, पुरुषार्थ से उसने करा है। वाला एक ही बार पुरुषार्थ करना पड़ेगा और इसमें रोज इसको डालना पड़ेगा, राइट? तो जो हौद का पानी है वो भी पानी है, कुएं का पानी वो भी पानी, लेकिन एक ने अंदर की चीजों को निकाला और तब रियल पानी आ गया, और एक ने कुछ बाहर से चीजें बांधी, उसके ऊपर दीवार लगाई और उसके उसके अंदर पानी डाला। ये पानी जो लिया हुआ है ये उधार है, ये कुछ दिनों के बाद सड़ेगा, ये काम में नहीं आएगा, उसका बास आएगा, ये जीवित पानी नहीं है, ये मृत है। और कुएं का जो पानी है ये जीवित पानी है, उसका कनेक्शन सागर के साथ जुड़ा हुआ है दूर दूर तक। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है कि जो देह अभिमान की परते पड़ी है, उस जीवित पानी तक, उस आत्मा के गुणों तक पहुंचने के लिए हमें ऊपर की परतों को उतारना पड़ता है। तो पहली जो परत है वो मिट्टी, जैसे मिट्टी उतारते हैं, तो मिट्टी यह है देह अभिमान, देह भान। जहां देह भान आता है, हमने जैसे अपने को शरीर समझा, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या जलन ये चीजें आनी है। तो जो एक एक परत को हटाएगा वो उस ओरिजिनल वृत्ति तक, जो आत्मा की बाबा कहते हैं नियत, उसको शब्द यूज होता है रूहानियत, रूह मना आत्मा, आत्मा की नियत, रूह की नियत तक पहुंचने के लिए हमें अंदर की उन चीजों को, उन मिट्टी पत्थर सारे किचड़े को बाहर निकालते हैं, तब हम उस चीज तक पहुंचते हैं, हमारे ओरिजिनल गुण तक, और वो ओरिजिनल गुण सागर शिव बाबा के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए वो जीवित है, वो कभी उधार नहीं ली जा सकती। जो कई बार
जैसे बाबा कहते दुनिया में शांति के लिए भटकते हैं, सुख के लिए भटकते हैं, थोड़े समय के लिए अल्पकाल का सुख शांति लोगों को मिल भी जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक बोरिंग स्टेज आती है। तो वो जो दूसरे का लिया हुआ उधार ज्ञान था वो काम में नहीं आता है। जब तक हम अपनी ओरिजिनल क्वालिटी तक पहुंचते ही नहीं है तब तक वो हमें अनुभूतियां नहीं होती है। तो वृत्ति में यही होता है, वृत्ति पनपती है जो है। एक आपको एक उदाहरण देती हूँ, समझो दो व्यक्ति है, वो एक साथ रहते हैं, रात को अच्छे से मानो उनका कोई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक ठाक शांत है, सो गए, मानो इस समय ऊपर के लेवल पर कोई भी वृत्ति ऐसी नहीं है कि जो झगड़े की हो या कुछ अनबन की हो, इस प्रकार से नहीं है। अभी जैसे उठे सुबह, उठने के बाद शांत है, वृत्तियां सारी अंदर मर्ज रूप में है। एक व्यक्ति है वो जल्दी जल्दी स्नान पानी करने चला गया, फ्रेश हो गया, और दूसरा व्यक्ति अभी तक फ्रेश नहीं हुआ है। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, वो पहले ने कहा कि मैंने स्नान पानी आदि कर दिया है और ये कुछ थोड़ा सा कचरा आदि निकालना है वो तुम निकालो, क्योंकि मैं फ्रेश हुआ। तो ठीक है, बात इसमें कोई गलत तो है नहीं, लेकिन इस व्यक्ति की अभी तक जो वृत्ति थी वो शांत थी क्योंकि बाहर से ट्रिगर नहीं आया था। लेकिन इसको अभी ये जो बीच में ना नियम मान्यता है दृष्टि दृष्टिकोण, इसको लगा मुझे क्यों बताया, मुझे भी तो जाना है, मुझे ये भी कर सकता था, वो भी कर सकता था, इस प्रकार की अनेक बातें चलेगी। और यहाँ पे नीचे सबकॉन्शियस में जो हमारी नेगेटिव वृत्तियां झगड़े की है, क्रोध की है, वो कनेक्ट हो जाती है कॉन्शियस माइंड के साथ, माना जागृत अवस्था में वो वृत्तियां आती है और फिर वो कर्म में आती है, फिर झगड़ा हो जाता है। तो कर्म वृत्ति कर्म तक पहुंचती है, कर्म फिर वृत्ति तक पहुंचता है, ये साइकिल है। इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए हमें समझना होगा कि हम कैसे अपने शरीर के माध्यम से उसको जान सकते हैं। यहाँ दिखाया है कि समझो एक बर्फ का टुकड़ा है, ये बर्फ का टुकड़ा है वृत्ति, ये टुकड़ा अगर पिघल गया तो वो बन जाएगा पानी, और ये पानी का हो जाता है भाप, ये है हमारे संकल्प। बर्फ का टुकड़ा है संस्कार, उससे पिघलने वाला पानी वृत्ति है, और वृत्ति से संकल्प, माना पहले संकल्प फिर वृत्ति फिर संस्कार। तो हमने कहा ना वृत्ति माना कंडेंस फीलिंग। ये वास्तव में बहुत गहरा वैसे टॉपिक है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। तो वृत्ति जो पकड़ में आती है वो दो प्रकार से, एक अच्छी फीलिंग एक बुरी फीलिंग। हमारे अंदर कौन सी वृत्तियां है कैसे पता चलेगा, योग में हमें खुजली आती है, जैसे योग में बैठे खुजली आई, तो ये खुजली आना भी अंदर की वृत्ति जागृत होना है। बाबा कहते चंचल वृत्ति, ब्रह्मा बाबा का उदाहरण है, बाबा को खांसी आती थी, बहुत खांसी आती, बहुत खांसी आती, शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा कहते बाबा मेरी खांसी ठीक कर दो, तो ब्रह्मा बाबा क्या कहते शिव बाबा क्या कहते, ये तुम्हारा कर्म भोग है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। माना खांसी आना भी क्या है, कर्म भोग है, जो जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो सब हमारा कर्म भोग है। खुजली आना भी, योग में खुजली आना भी क्या है, कर्म भोग है। तो वृत्ति को कैसे मिटाया जा सकता है, साक्षी होकर देखना, साक्षी भाव। तो यहाँ पे समझो किसी को हाथ में खुजली आ गई, अभी मेंटल लेवल पर क्या हो रही, बेचैनी हो रही, और जैसे ही वो व्यक्ति उसको खुजलाता है
तो मेंटल लेवल पर रिलीफ मिलता है, अच्छा लगा। माना खुजली आई अच्छा नहीं लगा, लेकिन खुजलाने पर अच्छा लगता है। ये अच्छी फीलिंग बुरी फीलिंग ये शारीरिक लेवल पर होती है, मेंटल लेवल पर होती है। अभी साक्षी माना क्या है समझो, आपको खुजली आई है, आप सिर्फ उसको साक्षी होकर देखते रहो, खुजलाओ नहीं, माना ही उस चीज को आप भोगो नहीं, भोक्ता भाव से परे हो जाओ, थोड़ी देर के बाद वो खुजली मिट जाएगी। एक 14 तारीख की मुरली है, इस साल रिपीट हुई थी पिछले साल, बड़ी गहरी मुरली है जिसमें बाबा ने साक्षी दृष्टा और वृत्ति का कनेक्शन बताया है। तो ये साक्षी की ऐसी अवस्था है जिससे हमें वृत्तियां पकड़ में आती है, और जिस दिन हमारी सब कॉन्शियस माइंड की जो यहाँ की वृत्तियां है, जो ऊपर के लेवल पर द्वापर युग से आई है, ये सारी नीचे जाएगी और मूल संस्कार ऊपर आएंगे, तब कोई भी व्यक्ति मतलब यहाँ का सब साफ हो जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर संकल्प भी करेगा ना कि आज बारिश गिरे तो गिरेगी, किसी व्यक्ति के मन तक पहुंचना है, उसको कुछ संदेश देना है, यहाँ संकल्प करेगा वहां उसको टच होगा। क्योंकि मैच्योरिटी ही नहीं है, जिसको ही ये जो पहली सिद्धियां हमने बताई, वाक सिद्धि है और श्रवण सिद्धि है, ये दुनिया की सिद्धियां है, लेकिन ये तब आएगी जब हमारा जन्म जन्मांतर के जो लेयर बने हुए हैं, जैसे वो कुएं की बात बताई, ये लेयर बने हुए हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये देह अभिमान के, ये रावण के संस्कारों की जो लेयर बने हैं, परतें बनी हैं, ये मिट जाएगी। और ये मिटती है, बाबा ने विधियां बताई है, आत्मिक भाव, बीज रूप स्थिति, अशरीरी अवस्था, देह से डिटैच होने की प्रक्रिया। अब जो हमारा देह भान है वो पूरे शरीर में फैला हुआ रहता है, लेकिन हर जगह पे वो सेम रूप में नहीं होता है। हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का, हर दिन मुरली में एक वाक्य आता है, सोल कॉन्शियस बनो, देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो, देह भान को मिटाओ। देह भान को मिटाना माना क्या, हमने यहाँ तो अपने को आत्मा समझ लिया, लेकिन हमारे शरीर में सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म काया जिसको कहते हैं, जो लास्ट में फरिश्ता रूप बनने के लिए हमें उस सूक्ष्म काया का जो है अभी मना उसको प्यूरिफाई करना बहुत जरूरी है। तो ये देह भान का जो फील्ड है ये शरीर में हर जगह सेम नहीं होता है, तो ये कई कई जगह बहुत ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पे दिखाया है जहां डार्क भाग है वहां पे वो ज्यादा है। हाथों में सबसे ज्यादा कम होता है, पैरों में। तो जब हम देह भान को मिटाना है हमें पहले है अशरीरी अवस्था की प्रैक्टिस करना, जो मुख्य अभ्यास है हमारा अशरीरी अवस्था। अशरीरी अवस्था ना, एक बार राजू भाई बता रहे थे कि जब मैं एक दिन दादी के कमरे में गया और दादी बैठे थे, आंखें बंद थी और दादी ऐसे गहन सन्नाटे में बैठे थे, एकदम शांत, एकदम ऐसे कंप्लीट साइलेंस, उस अपने स्वरूप में खो गए थे। तो बहुत देर तक बैठने के बाद दादी को कहा, दादी दादी, तो फिर दादी ने कहा, बोलो, बहुत शांति से, क्या बात है, बोलो। तो माना उन्होंने कहा कि दादी आप क्या कर रहे थे, दादी ने कहा मैं देख रही थी मेरे अंदर कोई दाग तो नहीं है और मैं उन दागों को मिटाने का प्रयास कर रही थी।
तो कौन से वो दाग है? वो है देह अभिमान के दाग जो हमारे सूक्ष्म शरीर में व्याप्त रहते हैं और आत्मा संकल्प के रूप से अपना सूक्ष्म शरीर बनाती है। तो हमें जो अभ्यास करना है, और हर दिन आप एक चीज का अभ्यास जरूर करना, वो अभ्यास हम लास्ट में लेंगे। वो अभ्यास इस प्रकार से है, पहले तो बैठ जाना है। बैठते ही ये देखिए, जैसा कि पूरे शरीर में देहभान है, हमने अपने आप को आत्मा समझा, लेकिन संकल्प करते हैं मैं हूँ शांत स्वरूप आत्मा, मैं हूँ प्रेम स्वरूप आत्मा, मैं परम धाम में रहने वाली। दूसरे सेकंड में नीचे आ जाती हूँ, का सब्जी मार्केट में चले जाती, का घर में क्या हो रहा है। तो परम धाम तो रहा ऊपर, लेकिन हम बैठे थे घर जाने के लिए, हम आए इस घर में, हम गए मार्केट में, हम गए किसी रिश्तेदार के पास, फिर हमको याद आता है नहीं हम योग में बैठे थे, हम फिर से कॉमेंट्री शुरू करते अंदर ही अंदर। लेकिन वो होता नहीं है, क्योंकि शरीर में देह भान वैसे ही व्याप्त है। तो इस देह भान को मिटाने के लिए पहले तो अशरीरी अवस्था का अभ्यास करना। इसको कहा जाता है पहले कि इसमें बॉडी स्कैनिंग, वृत्ति शरीर के माध्यम से बाहर आती है। आप समझो शांति से बैठो और आप देखने लग जाओ, तो आपको एक एक चीज याद आ जाएगी, एक एक चीज याद आ जाएगी। याद क्यों आ रही है? कभी न कभी आत्मा ने उस प्रसंग के साथ, उस चीज के साथ कुछ भोगा है, उस चीज को वो रस लिया है, और वो आज आपको याद आ रहा है, और वो भी योग में। तो ये परत है हमारे संकल्प, हमारे फीलिंग और शरीर पर उठने वाली संवेदनाएं, ये हमें वृत्ति की परत देती है। तो इसको करना क्या है? करना कुछ नहीं, देखना है छोड़ देना है, देखना है छोड़ देना है, उसके पीछे नहीं जाना है। इसको ही बाबा मुरलियों में कहते हैं सुख दुख निंदा स्तुति मान अपमान सेम स्थिति। उसको भोगो नहीं, उसको साक्षी होकर देखो। तो ये साक्षी होने का अभ्यास है। तो हमें अगर आत्माभिमानी बनना है, शरीर के भान से हमें परे जाना है, तो हमें शरीर की वास्तविकता को समझना बहुत जरूरी है। जो लोग, जो साइंटिस्ट लोग स्पेस में जाते हैं, वो जो धरती को छोड़ के जाते हैं, तो धरती के पूरा अभ्यास उनको करना पड़ता है, उस फील्ड का, उस चीज का, हर चीज का ज्ञान उनके पास जरूरी होना चाहिए, तभी उसको वो क्रॉस कर लेते हैं। और हम जा रहे हैं देह भान से परे, तो हमें भी शरीर के हर चीज का अनुभव होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। शरीर से परे तभी जाया जा सकता है जब हम शरीर को जान जाए। शरीर को जानना माना क्या? अभ्यास हम करते हैं कि मैं आत्मा या भ्रुकुटी में बैठी, तो अलग अनुभव होना चाहिए। मैं हाथ नहीं हूं, मैं पैर नहीं हूं, मैं आंखें नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, ये अलग फीलिंग। और इसकी एक लेयर बन जाती है बीच में, और वो बन जाते हमारे आत्मा के संस्कारों की परत, जिसके आधार से हमारे नए संस्कार बनने लगते हैं। योग में हम किसी व्यक्ति को, समझो किसी व्यक्ति के साथ कुछ अनबन है, कुछ बात है, तो हम उसको योग में, देखिए कंप्लीट आप सोल कॉन्शियस स्टेज में होंगे, बाबा के साथ होंगे, तो हम उसको क्या करते हैं? माफ कर देते हैं। हम समझ जाते हैं हर एक आत्मा का पार्ट है, ये हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, और उस समय के लिए हम उसको ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम योग से बाहर आते हैं और प्रैक्टिकल सिचुएशन में आते हैं, वो सारी बातें फिर से याद आती है। तो हम कहते हैं वो काम नहीं करता, तो काम इसलिए नहीं करता क्योंकि अंदर की जो ये नेगेटिव वृत्तियां है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट ही नहीं हुई, आत्मा के गुणों के साथ कनेक्ट नहीं होती है, वो उभर के आती है, और इसके कारण फिर से ये बार 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 साइकिल चलता रहता है।
अब करें क्या? एकाग्रता। बाबा ने विधि बताई एकाग्रता, एक के अंत में खो जाना, एकांत। पहली एकाग्रता है विचारों की एकाग्रता। हम जो कर्म जिस समय कर रहे हैं उस पर हमारा ध्यान दें। कई बार हम मुरली सुनते हैं, मुरली सुन रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है, घर में। फिर कहते हैं मुरली तो बहुत अच्छी थी आज की। अच्छा, अच्छी तो थी, फिर क्या अच्छी थी आज? बाबा ने क्या बताया, बताओ दो चार वाक्य। तो कहेंगे याद तो नहीं लेकिन बड़ी अच्छी थी। तो बड़ी अच्छी थी लेकिन याद नहीं है, माना हम मुरली सुन रहे थे लेकिन एकाग्रता से नहीं सुन रहे थे, मन और बुद्धि साथ में नहीं थी। तो मन और बुद्धि जो है साथ में रहने के लिए, अभी मैं आपको एक अभ्यास कराती हूँ 2 मिनट। तो सभी बैठ जाए रिलैक्स होकर। आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर सकते हैं। अभी मैं जो जो आपको बताऊं वैसे आपको करते जाना है। आप कुछ समय के लिए एकदम एकाग्र होकर बैठें और अभी हमारा जैसे क्लास पूरा हुआ और आप अपने घर से निकलकर कहीं बाहर जा रहे हैं, जहां भी आप वॉकिंग करते हो, या अब उदाहरण में लेते हैं कि हम सेंटर पे जा रहे हैं, तो आप घर से निकलकर सेंटर पर जाने के लिए निकले हो, आप देखिए आप घर से बाहर आ गए, आपने अपनी जूते पैरों में पहन लिए, उन जूतों का कलर देखिए कौन सा है, पैरों में पहनकर आप निकल पड़े। जिस भी प्रकार से आप जाते हैं, व्हीकल से या पैदल जैसे भी आप निकले, आप रास्ते में देखिए आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या नजारे हैं रास्ते से निकलते समय, कहां कोई सिग्नल चौक, रास्ते में गाड़ियां, किसका घर, जो भी देखते देखते आप चले गए सेंटर पर। अब सेंटर को आप देख रहे हैं बाहर से, किस प्रकार की बिल्डिंग है, क्या है। अभी आप मेन डोर पर आ गए, उस मेन डोर पर क्या लिखा है, क्या लगाया हुआ है, कोई स्टिकर है बाबा का या क्या लिखा है, वो पढ़िए। और आप दरवाजे से अंदर गए, आप देखिए कहा इस सेंटर में, कहा कहा कौन कौन भाई बहने हैं, यहाँ की दीदी और यहाँ आपके पहचान के कई भाई बहन, कहा क्या चीजें हैं, हॉल है, बाबा का फोटो है या कुछ कुछ चीजें हैं जो आप देखते हैं। आपके साथ आपका पूरा ग्रुप है, दीदी ने आपको एक फ्रेश ऑरेंज दिया टोली में, दृष्टि दिया, बात किया और एक फ्रेश ऑरेंज आपके हाथ में थमा दिया। और आप सभी उस ऑरेंज को लेकर एक ग्रुप में बैठ गए, हर एक के हाथ में एक ऑरेंज है और आप बात करते 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 उस ऑरेंज को, उसका छिलका आप उतार रहे हैं। उसका छिलका उतार कर आपने एक पीस ऑरेंज का निकाला
और अपने मुंह में डाल दिया और उसको दांतों के तले दबा दिया उस पीस को, और उससे बहुत रस एक जूस आपके मुंह में फैल गया। आप उस ऑरेंज को खाकर फिर से जैसे हम गए थे वैसे ही फिर से आ गए, अपनी अपनी जगह पर आकर बैठ गए। तभी आप आंखें खोलिए। ये जो हमने एक मिनट का जो अभ्यास कराया इसमें क्या हुआ? आप गए थे सेंटर पर, ऑरेंज खाया आपने, ऑरेंज खाने के बाद क्या हुआ वो आप बताएं। कोई एक बताइए। ओम शांति। आपने जैसे बोला और छिलका उतारा, फिर ऑरेंज खाया, उसका जूस मुंह में गया, फिर पूरा धीरे धीरे खा लिया, और फिर उसके बाद हम वापस जैसे गए थे वापस बाहर निकले सेंटर से, और फिर आ गए वापस अपनी जगह पर बैठ गए। अच्छा, हुआ क्या एक्चुअल में? अब मुझे बताइए इसमें से सच्ची दिल से किसके किसके मुंह में पानी आ गया? वाह, बहुत अच्छी बात। तो इस घटना में, इस मेडिटेशन में हमने ये देखा एकाग्रता क्या चीज है। इस 2 मिनट में आपका ध्यान कहीं इधर उधर गया? नहीं गया। क्या कर रहे थे हम? मन विचार कर रहा था, हम आपको विचार दे रहे थे और उसके साथ बुद्धि उसका चित्र देखते जा रही थी। मतलब मन और बुद्धि क्या हो गई, एक साथ चल रही थी, उसको कहा एकाग्रता। साधारणतः योग में होता क्या है, मन संकल्प करता है मैं हूं शांत स्वरूप आत्मा, लेकिन वो आत्मा का चित्र ही नहीं देख पाती, उस स्वरूप में ही नहीं आ पाती, उसको और कुछ याद आता है, और फिर हम कहते हैं योग में हमको अनुभूतियां नहीं होती है, क्योंकि हम उसका फॉर्म नहीं बनते, उसका स्वरूप नहीं बनते हैं, और इसलिए वो चीजों का अनुभव नहीं होता। अभी आप तो अपनी जगह पे बैठे थे वास्तव में, लेकिन आपने अनुभव किया कि वहां जाकर आए, दीदी से बात भी किया, टोली भी लिया, और आप ऑरेंज खाकर फिर वापस आ गए। तो ये मुंह में पानी क्यों आया? आपने तो खाया नहीं एक्चुअल में, अब बैठे, लेकिन पानी क्यों आया? क्योंकि ये मन के संकल्प की शक्ति है, जो चीज को हम फील करते हैं तो वो उसका सलाइवा क्रिएट हुआ, वो बॉडी के लेवल पर भी आ गया। तो इससे हम समझ सके कि हमारे मुंह में पानी आ गया, माना अंदर कुछ तो हुआ, हमने क्रिएट किया, उसका बॉडी पर भी इफेक्ट हुआ। वृत्ति बाहर अंदर की बाहर निकलती है, बॉडी लेवल से ही हम उसको समझ सकते हैं। तो उसको समझने के लिए, उसको पकड़ में लेने के लिए एक विधि है, हम कहते हैं उसको बॉडी स्कैन करना। जैसे डॉक्टर लोग बॉडी स्कैन करते हैं ना ऐसे, तो जैसे योग में बैठेंगे तो पहले अपने हर एक ऑर्गन्स को देखते 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 वहां चेक करना है हमको कि कहाँ कुछ खुजली है, कहाँ पुलकन है, कहाँ कुछ क्या है, कहाँ चल रहा है, लेकिन उसमें हमें जाना नहीं, उसको साक्षी होकर आगे बढ़ना है।
ये बहुत गहरा और डीप अभ्यास से वृत्ति तक पहुंचने का, वृत्तियों को जानने का, हमारे अंदर क्या क्या तय खाने में जो तह खाना होता है ना पहले होते थे, उसके अंदर क्या क्या पड़ा है वो जानने का ये बहुत सहज और आसान तरीका है, वो ये मेडिटेशन। तो जैसे ही हम योग में बैठेंगे तो इस प्रकार से हमको अभ्यास करना है। बाबा ने कहा देह भान को समेट, तो जैसे ही हम बैठेंगे तो हमारा हाथों में जो देह भान होता है उंगलियां आदि जो है वहां से हम जैसे शुरुआत करें, अशरीर अवस्था की बात बता रहे हैं आज, बीज रूप बिंदु रूप दूसरी अवस्था नहीं, हम इससे कनेक्टेड बातें बता रहे हैं जो वृत्ति तक पहुंचती है, वृत्ति फिर सिद्धियों तक पहुंचती है। तो पहला अभ्यास करना है कि हाथों की उंगलियां फिर ऊपर हाथ, ऐसे कॉन्शियसनेस को रोटेट करना है पूरे बॉडी में, आपको एक फीलिंग आएगा ये बॉडी अलग है और मैं आत्मा अलग हूं। तो शुरुआत करना है समझो उंगलियों से किया हमने शुरुआत। अब देखना है कि मेरे उंगलियां और हाथ पूरे प्रकाश के हो गए, पूरे प्रकाश। तो इसके पहले क्या होगा, आपको बहुत सारी चीजें जो है कखुज ले आने का मन करेगा, कहां कुछ मन भटकेगा, कहां कुछ क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लेकिन ध्यान को लगाकर रखना है और धीरे 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 अपने पूरे शरीर की संवेदनाओं को देखते 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 एक एक ऑर्गन्स को अभ्यास करते करते प्रकाश की काया बनानी है, अशरीरी अवस्था प्रकाश की काया। तो आप देख रहे हैं इस स्लाइड दिखाई दे रहे होंगे आपको, धीरे धीरे ऊपर के ऊपर ऊपर, जैसे देखिए यहां से हमने शुरू किया, शुरुआत की अंगुलियों से हाथ से, तो फील करना है पूरा ध्यान हमारा, जैसे कि भले आंखें नहीं देख रही है ये, लेकिन मन की भाव से, मन की बुद्धि के तीसरे नेत्र से देखते देखते हाथों की अंगुलियां, फिर उसको देखते देखते ऊपर और प्रकाश की काया बनाते जाना है। तो हाथ प्रकाश के हो गए, फिर और ये प्रकाश एक रॉड की तरह जैसे ऊपर आ रहा है, जैसे ये हाथ जैसे पूरे प्रकाश का एक रॉड है, ऐसे अनुभव करते 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 पूरा देह भान को समेटना शुरू करना है। आप पहले देख लीजिए फिर हम बाद में अभ्यास करेंगे। पूर्ण प्रकाश की काया हो गई, प्रकाश इस प्रकार से अनुभव करना। अभी ये हमने तो 2 मिनट देख लिया, लेकिन इसको अनुभव करने के लिए आपको हर दिन बैठना पड़ेगा, कुछ समय अपने आप को देना पड़ेगा। और ये गहराई में, इसको ही कहा जाता है अंदर उतरना, अंतर्मुखी होना, एकाग्र होना, एकांतवासी होना। बाबा को कनेक्ट होने से पहले हमें इस स्टेज को प्राप्त करना है, फिर हम जैसे सूक्ष्म काया और सूक्ष्म शरीर से फिर बिंदु रूप अवस्था और बिंदु रूप से फिर बाबा के साथ एक तार जुड़ी और इतना करीब बाबा के गए, इतना करीब गए, अंतर मिटता गया, दूरी मिटती गई, और एक समय आया कि वो दूरी कंप्लीट मिट गई, हम कंबाइंड हो गए बाबा के साथ। बाबा जिसको कहते हैं आत्मा परमात्मा, लव में लीन, लवलीन नहीं होती लेकिन लव में लीन हो जाती है, तो हम हो गए लवलीन बीज रूप अवस्था, और ये बीज रूप अवस्था ही मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज है, जो हम बार 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 इसको प्रैक्टिस करेंगे, अनुभव करेंगे, तो हमारे जन्म जन्मांतर के देह अभिमान के संस्कार नीचे रह जाएंगे और ऊपर ये आत्मा के संस्कार, देही आत्मा के संस्कार ऊपर आ जाएंगे और इसका एक लेयर बन जाएगा
और ये बाबा जिसको कहते हैं दग्ध हो जाएगा योग अग्नि में जन्म जन्मांतर के विकर्म पाप कर्म कुकर्म सब जलकर भस्म हो जाते हैं, ये वो अवस्था है। जिससे ही लास्ट में सारी वृत्तियां बदलकर देवता ही वृत्ति जागृत होती है और देवताएं सारे सिद्धि स्वरूप है, सारी सिद्धियां उनको प्राप्त है। निरोगी काया, बाबा ने कुछ सिद्धि बताया जो 74 की मुरली है उसमें बाबा ने कुछ 12 सिद्धियां बताई है। इसमें निरोगी काया त्रिकालदर्शी जो निर्बल है उनको संकल्प से बल देकर बलवान बनाने की सिद्धियां, तो ये सारी सिद्धियां हमको हर दिन मुरली में जो है विधिया उसकी पता है, तो ये विधिया है सिद्धियों तक पहुंचने की। तो इस मुरली में बाबा ने जो कहा है विधि बताई वो एकाग्रता बताई, तो एकाग्रता किस चीज की, एकाग्रता ध्यान की, जो अपने शरीर को शरीर भान को समेटते 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 देह भान को समेटते फिर हम उस स्टेज तक पहुंचे। और यह अभ्यास हमें हर दिन करना है, रोज करना है। आप जब रोज ये अभ्यास करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा वो ऑटो मोड में चला जाएगा, जैसे आप बैठेंगे संकल्प करेंगे मैं आत्मा अशरीरी, फटाफट देह भान समेटता जाएगा और एक सेकंड में आप बीज रूप स्थिति में भी स्थित हो जा सकते हैं। इसको बाबा कहते हैं सेकंड में बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाए, ये लास्ट में होगा। ये मतलब इसकी प्रैक्टिस करते 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 उस चीज को प्राप्त करेंगे और ऐसी आत्मा सब सिद्धियों से संपन्न बन जाती है, सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेती, उसके संकल्प कम हो जाते हैं, वृत्तियां श्रेष्ठ बन जाती है, संस्कार दैवी गुण वाले हो जाते हैं। तो इसको ही कहा सिद्धि स्वरूप आत्मा। तो हमें उस सिद्धियों तक पहुंचना है हर दिन मुरलिया में, मुरली में जो विधिया हमें बाबा ने दी है वो विधि। लेकिन आज हम खास इसी का अभ्यास करेंगे, कुछ समय हम 15 मिनट तक ये प्रैक्टिस करेंगे। उसके पहले कुछ आपके मन में कुछ प्रश्न हो या तो आपको बोलना है तो बोल सकते, फिर हम लास्ट में योग करेंगे। मुझे प्रश्न तो नहीं है पर जब हम रेगुलर योग करते हैं फिजिकल योगा एंड देन एट द लास्ट व्हेन वी डू सवासन, और ये सवासन में भी हमें ऐसा सिखाया जाता है कि ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट दैट यू रिलैक्स 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 सो मच दैट एट द एंड लाइक डेड बॉडी। So is it something similar to, because I like this concept of light का concept के ऐसे ही हम कर सकते हैं। हाँ, is it? इसमें ऐसा, हाँ जी, इसमें ऐसा है कि ये जो सिखाया जाता है जैसे आप कहा पहले आप जो बोल रहे हो body scan, तो इसमें सिर्फ बाहर का जो physical yoga हमें सिखाया जाता है उसके पीछे ये इंटेंशन नहीं है कि हमको देह भान समेटना है, वो सिर्फ इंटेंशन ये है हमको बॉडी पार्ट को रिलैक्स करना है, हमें देह भान से जाना है आत्मिक भान तक, ये हमारा इंटेंशन है। हमारा मेंटल लेवल पर है, वह फिजिकल लेवल पर है, तो आधार तो उसका ही लेना है, लेकिन हमारे मन में क्लियर है लक्ष्य हमें पहुंचना कहाँ है, तो इंटेंशन काम करती है वो चीजें। तो उसका अनुभव आपको बॉडी लेवल तक ही होगा, वो बेनिफिट वहां तक होगा और यहाँ का हमें स्थिति प्राप्त करने के लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए अभी हम मेडिटेशन करते हैं। किसी को और कुछ है, कोई पूछना है? दीदी एक बार फिर से बता देते आप वो सभी अंगुलियों से लेके अशरीरी बनने का और बीज रूप में जाने तक का।
तो हमको करना क्या है, थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ, लाइट का शरीर बनना है वो। जैसे हम बैठेंगे, हम आपको जो कमेंट्री देंगे, अभी इतना तो टाइम नहीं है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस घर में करना, ये बहुत देर तक, कम से कम 45 मिनट तक का एक अभ्यास है। तो ये अभ्यास करते ऐसा करना है, अंगुलियों के ऊपर ध्यान लगा, मतलब आप आंखें, अगर बाबा कहते हैं आंखें बंद करके योग नहीं करना है, लेकिन आप एक जगह पर कहां भी स्थिर कर सकते अपने आंखों को, या तो आधी आंखें बंद। तो अंगुलियों के ऊपर ध्यान देना है, हम आगे आगे आपको ऊपर ऊपर जैसे बोलते रहेंगे कि अंगुलियां है प्रकाशित हो रही है, तो उसमें से देहभान मिटता जाएगा। आपको सिर्फ कॉन्शियसनेस रोटेट करना है, ऊपर की ओर लेकर उसको आना है, और कोई संकल्प नहीं, कोई विचार नहीं, कोई अच्छी बुरी कोई भी फीलिंग आती है, भावना आती है, उस अटकना नहीं, उसको देखना है छोड़ना है, देखना है छोड़ना है, आगे चलना है। तो इस प्रकार से ये करना है। तो शुरुआत हाथों से, फिर और ऊपर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ध्यान को लेकर आना है, ऐसे धीरे 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 इस प्रकार से देह भान को समेटते जाना है। फिर पैरों की अंगुलियां, अंगुलियों से शुरुआत करना है, पैरों की अंगुलियां, फिर घुटने तक, फिर पूरे पैर, फिर ऊपर का हिस्सा, पेट, पीठ, सब, छाती, गर्दन आदि सब, धीरे 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 चेहरे पर, और चेहरे से में भी आत्मस्वरूप, और फिर एकदम पूरी प्रकाश की काया, प्रकाश स्वरूप। इस स्वरूप में हमें, इस स्थिति में हमें बाबा की शक्तियां ऑटोमेटिकली प्राप्त होती है, और आप ऐसे अनुभव करेंगे, मैं आत्मा हूं ये कमेंट्री के रूप में नहीं रहेगा, ये उसका आप स्वरूप बन जाएंगे। आपको लगेगा मतलब है ही नहीं अस्तित्व, शरीर का अस्तित्व है ही नहीं, होते हुए भी ना होने का आभास, और शांति की फीलिंग शुरू हो जाएगी। फिर लास्ट में बीज रूप अवस्था बाद में। तो आज हम थोड़ा इन शॉर्ट करते हैं, और फिर लास्ट में जो होता है सकाश देना, उसको ही हम कहते हैं मनसा से सेवा सारे सृष्टि की, तो वही तो हमको करना है। तो वो वरदान हमें बाबा से प्राप्त होगा, हम जो भी संकल्प जिस भी आत्मा को, सारी सृष्टि की आत्माओं को देना चाहते हैं, वो पहुंच जाएगा। तो ये अभ्यास करते करते करते, ठीक है। अभी आपने देख लिया, अभी आप देखेंगे नहीं, आप करेंगे अंदर, इसलिए हम इसको बंद कर देते हैं। चलिए रिलैक्स होकर बैठ जाइए, थोड़ा सा हल्का सा, बहुत हल्का सा ट्यून बजा सकते हैं, बहुत हल्का सा। रिलैक्स होकर बैठ जाइए, सीधा बैठ जाइए, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर दीजिए। और अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों पर, देखिए आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, ब्रेथ को देखें, आने वाली श्वास, जाने वाली श्वास, श्वासों में कोई परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ देखना है कैसे वो शांत रीति से चल रही है, जैसे एक वॉचमैन गेट से आने जाने वाले व्यक्ति को देखता रहता है, ऐसे हमें सिर्फ देखना है।
कोई विचार आए जाए, अपना संपूर्ण ध्यान श्वासों पर, कोई भी श्वास बिना ध्यान का ना छूटे, संपूर्ण अटेंशन एक एक श्वास पर। आपकी आंखें बंद है, आंखों के सामने अंधेरा है, तो इस अंधेरे को कौन देख रहा है? आंखें तो बंद है, श्वास को लेने वाला कौन है? अब अपना संपूर्ण ध्यान लेकर आइए हाथों की अंगुलियों पर, मेरे हाथ की उंगलियां जैसे कि सुन्न हो गई, एकदम शिथिल सुन्न। और ये होते हुए भी ना होने का आभास हो रहा है। उंगलियां ना होते हुए ना होने का आभास, एकदम शिथिल। हाथों की उंगलियों से प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है। देखिए उंगलियों से प्रकाश, वो श्वेत प्रकाश ऊपर की ओर आता जा रहा है और ऊपर पूरे हाथ के पंजे प्रकाश से भर गए और वो प्रकाश और ऊपर आता है, कोहनी तक हाथ प्रकाश से भर गए, कोहनी तक हाथ होते हुए भी ना होने का आभास हो रहा है। ये प्रकाश और ऊपर आ रहा है, कोहनी से ऊपर, एल्बोज के ऊपर, शोल्डर तक। दोनों शोल्डर तक ये प्रकाश फैल गया है। अब शोल्डर से अंगुलियों तक पूरा हाथ प्रकाश के बन गए हैं। जैसे हाथ है ही नहीं, अब पैरों से समेटना शुरू कर दे, सारा ध्यान को पैरों पर लेके आइए, पैरों की उंगलियां। उसको देखते देखते ऊपर ये प्रकाश ऊपर की ओर आ रहा है, पैरों की उंगलियों से और ऊपर पैर की उंगलियां, तलवा और ऊपर एडी और ऊपर घुटने तक और ऊपर कमर तक। दोनों पैर एकदम प्रकाशित हो चुके हैं, स्थूल पैर प्रकाश में बदल गए हैं,
पैर होते हुए ना होने का आभास, जैसे वह है ही नहीं। ये प्रकाश और ऊपर की ओर आ रहा है, दोनों पैरों से ऊपर, पेट, पीठ और ऊपर, हृदय, छाती, गर्दन तक पूरा शरीर प्रकाशित हो गया। गर्दन तक के नीचे का हिस्सा संपूर्ण प्रकाश में हो गया, जैसे ये शरीर है ही नहीं। और ऊपर ये प्रकाश आ रहा, गर्दन से ऊपर चेहरे पर, चेहरे पर भी और ऊपर आता आता और ऊपर मस्तक तक, रुकुटी में, आत्म ज्योति में एकाग्र हो जाए। मेरी काया पूरी प्रकाश में काया बन गई है। शरीर एकदम हल्का हल्का लाइट का बन चुका है। अब ये सूक्ष्म काया आत्म ज्योति ऊपर जा रहे हैं। सूक्ष्म वतन में इस सूक्ष्म काया भी समेट गई इस पूरे सूक्ष्म शरीर का एक बिंदु बन गया। मैं आत्मा बिंदु अब परम धाम में चले, आत्मा बिंदु उस लाल प्रकाश शिव बाबा प्यार का सागर, शांति का सागर, उसके नजदीक और नजदीक और नजदीक और नजदीक एकदम पास में अब मैं आत्मा बाबा में समा गई, एक हो गई, दोनों बिंदु मिल गए। मैं आत्मा उस सागर में डूब चुकी हूँ, खो गई, लवलीन हो गई। Thank you.
बीज रूप स्टेज में। कंबाइंड स्टेज में मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज में मैं आत्मा स्थित इन शक्तियों की अनुभूति डूब कर अब फिर मैं बाबा की गोदी से धीरे धीरे बाहर निकल रही हूँ। देखे उस ज्योति से मैं ज्योति अलग होकर फिर धीरे धीरे नीचे आती जा रही हूँ। और नीचे इस धरती पर मैं आत्मा बिंदु इस स्थूल काया में इस शरीर में आकर भूखी के मध्य में बैठ जाती हूँ। ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग, मैं अभी अभी शरीर में अवतरित हुई। ओम शांति शांति।